क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वन अपॉन अंडर रूट x-1 x-2, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो लेट i इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट x-1 और x-2 dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन अपॉन अंडर रूट x-1 x-2 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, आपको मिलेगा आपका x²-3x+2 और dx। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब इसके करते हैं फैक्टराइज, कैसे करते हैं। अभी मैंने दोस्तों आपको सिखाया जैसे कि वन अपॉन अंडर रूट x²-3x, ये जो x का कोफिशियंट 3 है, इसका हाफ होगा आपका 3/2। इसके हाफ का स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार इसके हाफ के स्क्वायर को माइनस प्लस 2। यहाँ से ये आपका 1/a²b²-2ab, ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से x-3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -9/4+2 dx। अब ये आपका dx/x-3/2 का होल स्क्वायर, 4 × 8 और 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, तो -1/4 ये आपका हो जाएगा dx/, और अंडर रूट भी चल रहा था दोस्तों साथ में, अंडर रूट x-3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट dx। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हो गया x-3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है x²-x² अंडर रूट x²-a² फॉर्मूला होता है, लोग x प्लस अंडर रूट x²-a², ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसमें। और अप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा ये, देखो x के प्लेस पर x-3/2 है, लीनियर फंक्शन है, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा लोग x, x के प्लेस पर क्या है भाई, x-3/2, ये है देखो फॉर्मूला। तो x-3/2 + √x-3/2 2² - 1/2 2² ये हो जाएगा लोग x-3/2 + और भाई इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद फिर से यही बन जाएगी सेम टू सेम, x²-3x+2 + c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों ये फॉर्मूले सारे के सारे याद ज़रूर कर लें, इनके फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं हो पाएगा।